हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी। तो रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने एक छोटा चम्मच अजवाइन डाल दी है और साथ में ही मैंने डाली हैं 6 से 7 मिर्चे। और ये हरे वाली मिर्च ही रखी हुई लाल हो गई है तो मैंने 6-7 मिर्चें डाली हैं। मिर्च थोड़ी सी पक गई है, अजवाइन भी थोड़ी सी भुन गई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी। और हल्दी मैं हमेशा छोंक में ही पकाती हूँ। गैस का फ्लेम इस टाइम पे मैंने लो किया हुआ है ताकि हल्दी एकदम से जले ना। और अब साथ के साथ इसमें मैं अरवी डाल देती हूँ। और अरवी में भी मैंने 2 मिर्चें काट रखी हैं, क्योंकि क्या होता है ना, किसी को कम तीखा पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है। तो 2 मिर्च डाली हैं तो पूरी सब्जी में जिसका तीखापन आएगा, और ज़्यादा किसी को तीखी सब्जी चाहिए तो जो साबुत मिर्चें डाली हैं वो खा सकते हैं। और अब इसको लगातार चलाते हुए मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो हल्दी है वो अरवी की सभी फाड़ पर अच्छे से चिपक जाए। नहीं तो फिर कोई वाइट बचेगी, कोई बिल्कुल पीली हो जाएगी, तो एक जैसा कलर नहीं आएगा। तो इसको लगातार चला के और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। फिर अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, और ये सेंधा नमक है। देखने में लगेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन ये तीखा कम होता है। और फिर ये भी होता है, कोई कम नमक खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। तो मैंने अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाला है। और अब एक ये छोटा चम्मच सब्जी वाला मसाला डाला है। इस मसाले की रेसिपी अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आप सबके साथ शेयर की है। अगर आप ये मसाला बनाना सीखना चाहती हैं तो आप चैनल पर इसकी वीडियो देख लीजिए। घर का बना हुआ मसाला है, बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मसाले में, एकदम सूखी सूखी और चटपटी अरवी की सब्जी हमारी बनके तैयार होती है। कुछ लोग तरी वाली बनाते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में तरी वाली अरवी की सब्जी किसी को भी पसंद नहीं है। तो अगर आप सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं बहुत ही कम तेल में, तो आप इस तरीके से बना सकती हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके और इसको मैंने ढक के पकाया है। बीच बीच में मैंने इसको चला लिया था 6 से 7 बार। और ये देखिए, अब हमारी जो सब्जी है पक के तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम यम्मी सी सब्जी बन चुकी है। तो आप भी बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। और ये अरबी की सब्जी बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंद आती है। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सभी कैसे हो। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और अभी मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, बाकी सब काम कंप्लीट हो गया है। और आज है 14 अक्टूबर और कल 15 अक्टूबर को दशहरा है, आज है नौमी। तो आप सभी को नौमी और दसवीं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। महीना अक्टूबर का चल रहा है और मेरे मुंह से जो है अगस्त निकल गया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये बिना हार्ड की जुबान होती है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है। और वहां पर दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है कि हमने क्या बोल दिया है। तो वही कल जो बोला गया कि 15 अगस्त को दशहरा है, उसके लिए सॉरी। लेकिन बोलना तो मैं यही चाह रही थी कि 15 अक्टूबर को दशहरा है, लेकिन जुबान फिसलने में देर नहीं लगती है। और अभी तवा तो गर्म हो गया है, रोटी बना लेती हूँ। तो सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सारा काम सुबह का कंप्लीट हो गया है और इस टाइम पे सुबह के 11 बज चुके हैं। और वैसे मैं आज तो 5:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि सासू माँ का क्या होता है ना, 1 घंटे में 1.25 घंटे में, कभी कभी तो 50 मिनट में उठ जाती है। और 12:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक मैं 5 बार उठी थी उनको बाथरूम करवाने के लिए। फिर 5:30 बजे मैंने सोचा कि अब सो के क्या करूंगी, कुछ देर में बैठ के नीटिंग का काम कर लेती हूँ। और कुछ मुझे जो है ठंड ज्यादा ही लगती है, गर्मी मेरे शरीर को बहुत कम लगती है। और सासू माँ आजकल दवाई ज्यादा खाती है तो उनको पंखे के बगैर नींद नहीं आती है। पंखा चल रहा था और मुझे ठंड काफी लग रही थी, तो मेरा गला सुबह उठी ना तो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। फिर सुबह उठ के पहले थोड़ा सा गर्म पानी पिया, नमक डाल के थोड़े से गरारे किए, फिर मैंने तुलसी वगैरह डाल के चाय बनाई, 1 कप चाय पी।
और फिर मैं नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई थी कि 1-1.5 घंटा बुनाई का काम कर लेती हूँ और फिर बाद में अपने काम की स्टार्टिंग करूंगी। और फिर ये सारा काम, मतलब साफ सफाई का भी काम करना, सासू माँ को भी नहलाना, उनकी मालिश वगैरह करना, करते करते 11 तो बज ही जाते हैं। और एक बहन का कमेंट्स आया था कि इतने सारे आपके काम होते हैं और फिर भी आप 12 बजे तक सारे काम को कंप्लीट कर लेती हो, कैसे करती हो, मेरे से तो नहीं हो पाता है, जबकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ फिर भी नहीं होता है। तो देखिए क्या होता है ना कि एक बार जब हम काम को करने लगते हैं तो एक काम करो दूसरे को पकड़ो, एक को करो दूसरे को पकड़ो, तो सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे, मान लिया झाड़ू लगा दी और फिर कुछ देर के लिए बैठ गए, फिर सोचेंगे चलो अब पोचा लगा लें, तो ऐसे में कोई भी काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। सुबह सुबह उठो तो दिमाग में एक चार्ट तैयार करना पड़ता है काम का, कि पहले मैं ये वाला काम करूंगी, इसके बाद मैं ये करूंगी, इसके बाद में ये वाला काम। तो वो जो दिमाग में एक चार्ट बनता है ना, उसके हिसाब से सारा काम अपने आप कंप्लीट होता चला जाता है और 12 बजे से पहले पहले मेरा सब काम कंप्लीट हो जाता है। तो आप सब देख सकते हो कि कितना सारा काम होता है। और अभी चलो रोटी बना लेते हैं और आप सब भी आ जाओ। अरवी की सब्जी बनाई है, ताजी लस्सी भी है, मक्खन भी है, रोटी अभी मैं बना रही हूँ। मैंने तो लगभग 10-12 दिन हो गए हैं दही लस्सी मैं नहीं ले रही हूँ। मतलब ये है कि काफ़ी हद तक मुझे आराम आ गया है, क्योंकि दवाई जितना अपना काम करती है ना उतना ही परहेज काम आता है। तो उन्होंने पहले बोला था कि दही लस्सी आम का अचार इन चीज़ों का परहेज रखना है, तो जब से मैंने दवाई खानी शुरू की है मैं इन चीज़ों का परहेज कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मुझे आराम आ गया, नहीं तो ये गर्दन मेरी बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। और अब तो ये होता है कि मतलब 2-3 घंटे लगातार बैठ के नीटिंग का काम कर लेती हूँ ना, तब थोड़ा सा अकड़ापन आता है, यहाँ गर्दन में दर्द होता है, नहीं तो काफ़ी हद तक मुझे आराम हो चुका है। तो चलिए अभी रोटी बना लेते हैं। अभी मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी हैं। पहले वाली 2 रोटी मैं गाय माता के लिए बनाऊंगी और फिर सबको खाना बना के खिला दूंगी। आखिरी रोटी मैं कुत्ते के लिए बनाती हूँ। एक कमेंट्स आया था कि क्या गाय माता की रोटी दोनों टाइम पे बनानी चाहिए, तो देखिए गाय माता की रोटी सिर्फ सुबह के टाइम पे बनती हैं। जो हम सबसे पहले खाना बनाते हैं उसमें से पहले वाली रोटी गाय माता की बनती है और आखिरी रोटी कुत्ते की। तो कुत्ते की रोटी तो क्या होता है, दोनों टाइम पे निकालनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में कहा जाता है कि आखिरी रोटी कुत्ते को ही खिलानी चाहिए, वो खुद नहीं खानी चाहिए। तो एक रोटी मैं सुबह के टाइम पे बना देती हूँ और 2 या 3 रोटी फिर मैं शाम के टाइम पे बनाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे यहाँ पे कुत्ते मिलते नहीं हैं, रात के टाइम पे यहाँ काफ़ी सारे कुत्ते आ जाते हैं। तो फिर वो सुबह वाली रोटी भी और रात वाली भी वो सारी हम एक साथ ही कुत्तों को डाल के आ जाते हैं। तो आप सब भी आइए और सुबह का खाना खा लीजिए। और ये अभी 2:15 बजे का टाइम है। मैं और विशाल के पापा जी गेहूं सुखाने के लिए आए हैं। परसों मैंने ये गेहूं धोई थी और आज ये है कि आज की धूप लग जाएगी और कल की लग जाएगी, तो ये बिल्कुल कड़क सूख के तैयार हो जाएगी। और वैसे भी आज तो देखिए काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, सुखाने के लिए जैसे ही हमने बेडशीट बिछाई वो साथ के साथ इकट्ठी होती जा रही है। और विशाल के पापा जी यहाँ देख रहे थे कि पहले यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे से टाइल के टुकड़े रखे हुए थे, लेकिन अब वो टाइल्स के टुकड़े पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ पर कोई भी नहीं मिला है। पहले जब मैं गेहूँ सुखाने आती थी तो उनको चारों कोने पर रख देती थी, फिर टाइल्स के टुकड़े तो नहीं मिले। फर्स्ट फ्लोर जो एक जो है फ्लैट बिल्कुल खाली पड़ा है, उसके साइड में छोटे छोटे से लकड़ी के टुकड़े रखे हुए थे, विशाल के पापा जी वो उठा के लाए हैं कि इसके चारों कोने पे ये रख दूंगा तो उड़ेंगे नहीं और फिर गेहूं अच्छे से सूख जाएगी। फिर एक कोने पर मैंने टब रख दिया है क्योंकि लकड़ी के टुकड़े भी कम ही हैं, और दूसरे जो है टोकरी में गेहूँ रखे हुए हैं ये वाले भी सुखाने हैं, एक कोने पर ये टोकरी आ जाएगी। वैसे हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो आज शाम तक लगभग ये गेहूँ सूख जाएंगे। थोड़ी सी धूप कल की लग जाएगी तो बस फिर इनको मैं अपने कट्टे में डाल के रख दूंगी। और अभी गेहूं सुखाने के बाद फिर मैं 2-3 घंटे अपना नीटिंग का काम करूंगी, क्योंकि नीटिंग की वीडियो भी आजकल मैं दिन में ही कंप्लीट कर लेती हूं, शाम के टाइम पे नहीं हो पाती है। तो इस वजह से आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।